तो आपको क्या लगता है कि उन्हें किस पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए और किससे दूर रहना चाहिए? ये बड़ा बड़ा विकट सवाल है, क्योंकि जिसपे हमें लगता है कि इस पे भरोसा करना चाहिए, बाद में पता चलता है वही गेम वही पलट जाता है। तो ये बड़ा मुश्किल है, बट फिर भी कारण मुझे लगता है थोड़ा सा सिंसियर है, कारण है, प्रतीक है, जो वाकई उसके दोस्त है, जिससे हाँ लगता है कि वाकई वो दोस्ती निभाने के काबिल है। यस, बाकी बाकियों पे इतना भरोसा नहीं कर सकते। जैसे जैसे गेम बढ़ रही है ना, दिख रहा है कि सब गेम ही खेल रहे हैं, पर अभी करण और प्रतीक एक ऐसे हैं जो कि सपोर्ट करते अकाशा हैं को उसको, सपोर्ट भी कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं कि यू नो किस तरह की वो है, तो उस हिसाब से उसको गेम समझा भी रहे। बाकी करेक्ट तो किसी करेक्ट पे भी करेक्ट। नहीं कर सकते ये। अभी नॉमिनेशन की अगर बात करें तो हाल ही में नॉमिनेशन आया है और आपको पता है कि ये आकाशा का भी नाम उस लिस्ट में शामिल है। उनके अलावा जो बाकी दो लोगों के नाम है, आपको क्या लगता है कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मतलब कौन है? कि अच्छा ये तो नहीं निकलेगा, ये तो बच गया है, बाकी ये दो है जो उनका निकलने का चांसेस है। जो सबसे स्ट्रांग है मुझे लगता है विशाल कोटियन है, क्योंकि वो मतलब गेम को समझता भी है, खेलते भी हैं, वो दिखते भी हैं, मैच्योर तो इंसान मैच्योर है, है वो काफी डेफिनेटली। टाइम से इस इंडस्ट्री में, तो इस गेम को समझते हैं। डे वन से वो अपना पूरा लेकर आए हैं और वो दिखा रहे हैं यू नो उसको, तो वो काफी स्ट्रांग है। वो है, और बाकी दोनों में अब तो कौन मतलब जाएगा? अगर मैं ये कहूं कि आकाशा का स्ट्रांग कंपटीशन अगर इस वक्त कोई है तो वो विशाल कोटियन है, तो किस हद जी तक ये बात सही होगी? नहीं, बिल्कुल सही है। सिम्बा और अकाशा की गेम, सिम्बा की गेम तो मुझे और भी ज्यादा स्लो लगती है कंपेयर टू अकाशा। अकाशा फिर भी बहुत एक्टिव है और बहुत कुछ कर रही है, बट सिम्बा कंपेयर करो तो, लेकिन सिम्बा भी अपने लिए अपने हिसाब से स्वीटली कर रहा है, बट विशाल इन तीनों में से ऑन टॉप है। तो कंपेयर स्ट्रॉन्ग तो है या वो। स्ट्रॉन्ग विशाल है।